यौनिकता की चर्चा आजकल शहरों में हो रही है, संस्थाएं एनजीओ मिल करके कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। वो शहर तक अब सीमित नहीं है, गांवों तक भी पहुंच गई। ऐसी ही एमपी की एक संस्था है जिसका नाम है कोशिका। उसने ठान लिया है कि यौनिकता की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाना है और वो पहुंचाना शुरू भी कर दिया है। तो देखिए इस वीडियो में किस तरह से उन्होंने महिलाओं के बीच इसकी जागरूकता की। एक दूसरे पर प्रेम, यानी कि एक सहेलियों का एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार है। अच्छा, जो एक मतलब एक महिला और एक पुरुष, एक बगल में महिला थी, तो उन्होंने एक पुरुष ने या शायद महिला ने किस किया, तो एक महिला ऐसे मुंह छिपा रही थी। दीदी शर्म लगती है। क्यों क्यों शर्म लगती है? शर्म लगती है ऐसे कि सबके सामने किस करे, अच्छा नहीं लगता ना। जरूर लगता है दीदी, क्योंकि ये कहीं पिछले मतलब अभी इसी मतलब वर्ष 4-6 माह पहले एक महिला जंगल लगनी ले जाती 8वें माह तक जाती थी, काफी बोझ लाती थी, और मतलब 8.5 माह का उसका बच्चा गिर गया। ऐसा लगता है कि हो सकता है वजन उठाने से महिला को और बच्चे को नुकसान पहुँचता है, इसलिए दीदी लोगों की सलाह मानना ही अच्छा है हमारी सेहत के लिए और हमारी सहेलियों को और हमारी बहनों के लिए। सहमत करके एक संस्था है और कोशिका करके एक संस्था है, तो वो दोनों संस्था ने मिल के एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट बीच, और वो नाम भी हमें गांव से ही मिला है। तो वो प्रोजेक्ट बीच पे हम लोग 6-2 साल से काम कर रहे हैं, हर साल 3-4 बार पन्ना आते रहते हैं, ताकि पहले तो महिलाएं खुला महसूस कर पाए, ढंग से आराम से सांस ले पाए, शरीर थोड़ा उनको रिलैक्स फील हो। वैसे है ना, एक महीना हम लोग पूरा पन्ना में रहते हैं और यहाँ पे 10 गांव हैं, तो एक दिन में एक सेशन हम लोग कर लेते हैं, और पूरे एक महीने के अंदर हम लोग ये जो 10 गांव हैं वो उसके सेशन हो जाते हैं। कभी एक दिन छोड़ के एक दिन होता है, कभी 2 दिन साथ में होता है, और उसके बाद हम लोग वापस 3-4-5 महीने या उस हिसाब से जिस हिसाब से वापस इनको समय मिल पाए उस हिसाब से उनसे पूछ के फिर हम लोग वापस आते हैं और फिर वापस दूसरे सेशंस करते हैं, जिसकी भी हमें लगता है कि अभी इस चीज़ की ज़रूरत लग रही है, तो फिर हम लोग वो सेशंस लेके आते हैं। जितना पहले हम लोग आते थे, जब हम लोग आए थे तो हमें लगा था कि अच्छा ये गांव में तो कोई बात ही नहीं करता, तो अब क्या करेंगे हम, पर आज जितनी भी बातचीत हुई, मतलब मुझे लगता है कि बातचीत का जगह तब मिलता है जब उनको सेफ फील होता है, जब उनको सुरक्षित महसूस होता है, तभी वो बातचीत कर पाते हैं। तो जितना हो सकता है हम लोग सत्र में तो कोशिश करते हैं कि वो सुरक्षा महसूस कर पाए, पर अंदरूनी भी बहुत सारी ऐसी सोच और भावनाएं ऐसी होती हैं जिसकी वजह से शायद सुरक्षित महसूस ना हो, और भारत में हर जगह शायद ऐसा होता है। तो जितना भी वो लोग करते हैं तो हमें लगता है कि अरे वाह इन्होंने ये बोल दिया, ठीक है। तो जितना भी वो लोग बोलते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है इनके पास बहुत जानकारी है, वो लोग अपनी भाषा में कुछ बोल भी देते हैं और हम लोग को सुनना पड़ता है, क्या क्या बोला, वापस बोल दो प्लीज। तो ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, कुछ जानकारी है जो बाहर नहीं वो यहाँ है, जो यहाँ नहीं है वो बाहर है। तो बॉडी में अपनी खुद की एक समझ होती है, तो वो दिमाग वाली जानकारी से बहुत अलग होती है जो बॉडी की समझ होती है, तो वो तो मुझे लगता है हर जगह ही होती है। और क्योंकि कोशिका संस्था जो है जो मेटर्नल और इन्फेंट हेल्थ पे यहाँ पे काम करते हैं, वो यहाँ पे पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं, और वो इंडिया फेलोशिप से वो आया है, तो सिमरन जिनका सहमत है वो भी इंडिया फेलोशिप उसने भी किया था, तो इसलिए ये जगह हमारे लिए खुली थी कि ठीक है यहाँ पे ये हो रहा है, हेल्थ पे ही है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी बात कर सकते हैं और भी चीज़ें खुल सकती है। तो जब पहली बार आई थी तब हमारे पास तब सिमरन आई तब मैंने आई तो हमारे पास भी ऐसा सवाल था कि क्या इस चीज़ की जगह है, क्या ये लोग हमें करने देंगे क्या बातें, या वो लोग स्वीकार करेंगे। तो एक चीज़ तो मैंने देखा है कि अभी वो लोग योनि शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कि योनि में मुझे ये हो रहा है, मतलब वो बता पाना कि यहाँ कुछ हो रहा है
तब तक बाथरूम वाली जगह या ऐसा सब था, वो लोग योनी बोल पा रहे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि सब लोग बोल पा रहे, लेकिन योनी नाम सुनने में तो आ रहा है। और दूसरा ये कि पहले बहुत बार वो लोग घूंघट में आते थे, ये होता था ये होता था, अभी उनको आसानी हो गई है ना, तो कभी कभी वो लोग खुद से घूंघट उठा देते हैं और वो लोग हमें उनकी दुनिया में आने देते हैं, और तो हमें लगता है हाँ ठीक है आप आने दे रहे हो तो हमें भी अच्छा लग रहा है, और हम ये भी कोशिश करते हैं कि कितना हम उनकी दुनिया में बिना उनकी परमिशन से ना आए। मतलब कभी कभी हम ऐसे सवाल कर लेते हैं या कभी कभी हम हमारी जरूरत होती लगता है कि ये बता ये बता, पर ऐसा नहीं है ना कि हमें जबरदस्ती घुसना है। हमें लगता है कि हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी उसमें भलाई हो ही नहीं रही है। और जब ही और पहले ही कुछ समय में उनका शरीर खुल जाता है, जब हम लोग कुछ मूवमेंट करेंगे या ब्रीदिंग ब्रीद आउट करेंगे या आवाज़ निकालेंगे, क्योंकि आवाज़ निकालने में ये खेल खेलेंगे, तो उनका शरीर खुल जाता है, तो शरीर ने तो इजाज़त दे दी होती है कि हाँ ठीक है हम यहाँ पे है ऐसा। तो खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।